हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शुभम क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस। इसमें आप आज नया अध्याय पढ़ेंगे, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, अध्याय 5। इसके पहले अध्याय में हम पढ़े थे कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। पहले इसके कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को हम समझेंगे। ठीक है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स यानी कि पहले की पुरानी चीज़ें, ठीक है, ऐतिहासिक चीज़ें, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, कि तत्वों को हम आवर्त में वर्गीकृत क्यों करते हैं। ठीक है, क्या उद्देश्य है वर्गीकरण करने का, और कौन कौन से वैज्ञानिक थे जो इसके वर्गीकरण करने में सफलता पाई और इसके गुणों को अच्छे से व्याख्यायित कर पाया। ठीक है, यह सब हम इस अध्याय में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने इसके पहले अध्याय में पढ़ा है या इसके पहली कक्षा में भी पढ़ा होगा कि जो पदार्थ हैं या तत्व हैं, ठीक है, वो मिश्रण और यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। और हमने यह भी जानते हैं कि तत्व तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज तक कितने तत्वों का पता चल पाया है? क्या आपको पता है? नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं आपको कि आज तक जो है हम 118 तत्वों की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, यानी हमें लगभग 118 तत्व प्राप्त हैं। ठीक है, जिसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ भी उपलब्ध हैं। और इन सभी तत्वों के जो गुण हैं वो क्या क्या हैं, बहुत भिन्न हैं। इसमें से जो 94 तत्व हैं वो क्या है, प्रकृति रूप में उपलब्ध हैं। क्या हैं? प्रकृति रूप में उपलब्ध है, और बाकी जो तत्व हैं उनको कृत्रिम रूपों से बनाया गया है। अब विभिन्न तत्वों की खोज के साथ क्या है कि वैज्ञानिकों ने उनके गुणधर्म के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इन जानकारियों को आप व्यवस्थित करना शुरू किया। आप व्यवस्थित करना क्या हुआ कि बड़ा कठिन लगने लगा, क्योंकि बहुत सारे तत्व थे और उन तत्वों के बहुत अलग अलग गुण थे। ठीक है, उन्होंने इन गुणधर्मों को ऐसा प्रतिरूप देना आरंभ किया जिसके आधार पर इतने सारे तत्वों का आसानी से अध्ययन किया जा सके। क्या किया जा सके? आसानी से अध्ययन किया जा सके। अब अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना, कैसे अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना है, ठीक है, वो हम सीखेंगे इसमें। तत्वों को जी अव्यवस्था है उसको कैसे व्यवस्थित करेंगे। तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, यानी कि तत्वों के जो वर्गीकरण के प्रारंभिक, अभी हमने बताया ऐतिहासिक एस्पेक्ट, यानी कि पुराने समय में कैसे तत्वों को जो है आप व्यवस्थित किया गया। सबसे पहले जो ज्ञात तत्व थे, ठीक है, उनको धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया। किसमें? धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया। धातु और अधातु आप कक्षा 8 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इनको इस धातु और अधातु में वर्गीकृत कर दिया गया। और जैसे जैसे तत्वों एवं उसके गुणधर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे क्या हुआ, उनको वर्गीकृत करने का प्रयास भी क्या हुआ, और ज़्यादा बढ़ गया। अब कैसे इनको वर्गीकृत किया जा सकता है? आपने पढ़ा होगा कि जैसे प्राणियों को कई वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है, या फिर जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं तो क्या है कि जो साबुन हैं उनको एक साथ एक स्थान पर रखा जाता है, और बिस्किट्स हैं उनको भी एक अलग स्थान पर रखा जाता है, और भी सारे प्रोडक्ट्स हैं तो उनको अलग स्थान पर रखता है। अब मान लीजिए एक बार फिर आप साबुन के बारे में सोचिए, तो जो कपड़ा धोने के साबुन हैं उनको क्या किया गया, अलग रखा गया, और जो नहाने के साबुन हैं उनको अलग रखा गया। तो इस प्रकार जो है विभिन्न चीज़ों को अलग अलग वर्गों में रखा गया। इसी प्रकार जो हमारे ये तत्व हैं इन तत्वों को भी अलग अलग रूप में, ठीक है, वर्गीकृत किया गया। अब वर्गीकरण के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अपना क्या क्या मत प्रस्तुत किया, और वो मत उन्हीं के नाम से उनके सिद्धांत के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, डावे राइनर के त्रिक सिद्धांत, आइए जानते हैं कि ये डावे राइनर का त्रिक सिद्धांत क्या है। ठीक है, डावे राइनर ये एक वैज्ञानिक थे, ठीक है,
ऑर्सन्स 1817 में, ठीक है, जर्मन रसायनज्ञ बुलगांग वुल्फगांग डावेराइनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। क्या किया? कई समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, तीन तीन तत्व वाले कुछ समूहों को चुना एवं उन समूहों को त्रिक कहा। यानी एक समूह ऐसा बनाया जिसमें कि तीन तत्व थे। कितने तत्व थे? तीन तत्व थे। अभी हम आपको एक टेबल दिखाएंगे, ठीक है, जिसमें तीन तीन तत्व को उन्होंने व्यवस्थित किया है। अब डावेराइनर जो थे, इन्होंने बताया कि त्रिक के तीनों तत्व उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो होता है अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। क्या बताया कि डावेराइनर बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। क्या होता है? औसत होता है। अब ये जो है क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस और आर्सेनिक है, ठीक है, ये इतनी चीज़ें हैं। अब उदाहरण के लिए एक और मान लीजिए कि इनके पास लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। क्या है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। अब त्रिक सिद्धांत के अनुसार क्या है कि ध्यान दीजिए, जिसके परमाणु क्रमशः 6.9, 23.0 और 39 हैं, ठीक है, लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत क्या होगा? अगर इनका औसत निकालें, ठीक है, तो लगभग वो 23 के आसपास आएगा। किसके आसपास आएगा? 23 के आसपास आएगा, ठीक है। इसी आधार पर इन्होंने त्रिक नियम दिया था। अब जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक हैं, अगर हम इनका औसत निकालें तो यह 29 और 30 के आसपास आएगा, जो कि 31 के आसपास है, ठीक है, 31 के क्या है, आस या पास है, ठीक है। तो इसी आधार पर इन्होंने त्रिक नियम दिया था। उसके बाद अगला है कैल्शियम, ठीक है, सिरेनियम और बेरियम, ठीक है, इनका अगर हम औसत लेंगे तो वो 87 के पास आएगा। और इसी प्रकार समूह सी है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, इन तीनों का भी औसत निकालेंगे तो वो ब्रोमीन के परमाणु द्रव्यमान के औसत के पास आएगा, ठीक है। तो ये क्या रहा डावेरेनियर का त्रिक सिद्धांत, जिसमें इन्होंने क्या किया, इन जो है तत्वों को एक समूह बनाने बनाने की कोशिश की या फिर वर्गीकृत करने का कोशिश किया। अब इसके बाद न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत आता है, जो थोड़ा और ज़्यादा ऑथेंटिक है, ठीक है, जो थोड़ा और ज़्यादा सटीक है। तो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार क्या था कि सन 1866 में ये अंग्रेज़ वैज्ञानिक थे, ठीक है, कौन? न्यूलैंड जो है, ये अंग्रेज़ वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड इनका नाम था। इन्होंने क्या किया, ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। क्या किया? ज्ञात तत्व जो थे उनको परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। और उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व तो हाइड्रोजन से आरंभ किया। किससे आरंभ किया? हाइड्रोजन से आरंभ किया, तथा 56 तत्व बताया, ठीक है, कितना बताया, 56 तत्व, जो थोरियम पर इसे समाप्त किया। 56वें तत्व थोरियम पर इसे क्या किया, समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से तत्व के गुणधर्म के समान है, क्योंकि इन्होंने अष्टक नियम दिया था। तो एक तत्व को, मतलब कुछ तत्वों को इन्होंने 8 भागों में बांटा। कितने भागों में? 8। यह अष्टक नियम है, यानी एक समूह में 8 तत्वों को इन्होंने रखा, ठीक है, कितने तत्वों को रखा, 8 तत्वों को रखा। यानी पहला तत्व क्या था, जो 8वां तत्व था उसके गुण के समान था। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की। संगीत के अष्टक यानी स रे ग म प ध नि, ठीक है, इससे की। और इसी कारण जो है इनके सिद्धांत का नाम जो पड़ा वो अष्टक सिद्धांत पड़ा। क्या पड़ा? अष्टक सिद्धांत पड़ा। अब न्यूलैंड के
न्यूलैंड के जो अष्टक में लिथियम एवं सोडियम के गुण जो हैं वो क्या हैं, समान हैं। और सोडियम लिथियम के बाद जो है आठवां तत्व है। कैसा है, सोडियम जो है लिथियम के बाद आठवां तत्व है। इसी तरह बेरिलियम और मैग्नीशियम में भी अधिक समानता है। अब इस सिद्धांत की जो थी वो कुछ कमियां थीं। क्या थी कि इन्होंने बताया था कि अब जो प्रकृति में तत्व हैं वो कितने हैं, कुल 56 ही तत्व हैं। इसके बाद भविष्य में कोई भी तत्व और जो है खोजा नहीं जा सकता, ठीक है। और इन्होंने बताया कि अष्टक सिद्धांत का जो सॉरी इनकी जो कमियां थीं वो ये था कि अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही सीमित होता था, ठीक है, यानी कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता था, ठीक है। और क्या था कि यह सिद्धांत केवल हल्के तत्व के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। जो नोबेल गैसें थीं यानी अक्रिय गैसें थीं, इसके पश्चात अष्टक सिद्धांत क्या हो गया, अप्रासंगिक हो गया। नोबेल गैसों की खोज के पश्चात अष्टक सिद्धांत क्या हो गया, अप्रासंगिक हो गया। अब न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था इसके अनुसार जो इन्होंने सारणी बनाई थी वो सारणी कुछ इस प्रकार से थी, ठीक है। ये है न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की सारणी। इन्होंने जो संगीत के अष्टक सिद्धांत से दिया था सा रे गा मा पा धा नी, और ये भी संगीत का ही सुर है, ठीक है, जो पश्चिमी देशों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें पहला था हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यानी हाइड्रोजन के बाद जो आठवां तत्व आता था ये फ्लोरीन आता था। क्या आता था, फ्लोरीन। और लिथियम के बाद अभी पीछे बताया गया था जो आठवां तत्व आएगा वो सोडियम आएगा। क्या आएगा, सोडियम आएगा। तो लिथियम और सोडियम के जो गुण हैं वो समान है। इसी प्रकार बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुण भी समान थे, किसके अनुसार, न्यूलैंड के अनुसार, ठीक है। और बोरान के भी गुण एल्युमिनियम के समान थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लगातार नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। हेलो वेलकम। अगर अब तक यूट्यूब के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस का आपने क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें आपको सभी विषयों के नोट्स, वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर और बचे हुए महीने में आप किस तरीके से सभी विषयों की तैयारी करें सब कुछ बताया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।